आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दीदी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी से छिन गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। सीपीआई भी राष्ट्रीय पार्टी से बाहर, अब आम आदमी पार्टी बन गई है राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इतना ही नहीं, आयोग ने उत्तर प्रदेश में रालोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी समाप्त कर दिया है। अब केवल भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय दल हैं। चुनाव आयोग ने एनसीपी को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर नागालैंड और तृणमूल कांग्रेस को मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी होने के नियम क्या हैं। किसी भी पार्टी को 3 नियमों के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा दिया जाता है। पहला, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करने होते हैं। दूसरा, लोकसभा में कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हों। तीसरा, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी कहलाने की इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में 13% वोट प्राप्त किया, जिसके आधार पर उसे राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।